बॉलीवुड के बहुत ही फेमस अभिनेता रहे हैं नाना पाटेकर, जो इंडस्ट्री में अपने डायलॉग को बोलने के स्टाइल को लेकर काफी मशहूर हैं। फिल्मों में इनके खलनायक और कॉमेडी किरदारों को लोगों ने खूब पसंद किया है। लेकिन दोस्तों, आप इनके बारे में तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन क्या आप इनकी वाइफ के बारे में जानते हैं कि वो कौन है, क्या करती है और कैसी दिखती है? अगर आप भी इन दिलचस्प सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। फिल्मों के मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर का जन्म 1 जनवरी 1951 में मुंबई में हुआ था। इन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट से की और कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। वहीं बात करें इनके अभिनय करियर की, तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1978 में आई फिल्म गमन से की थी, लेकिन इंडस्ट्री में इन्हें फिल्म परिंदा से पहचान मिली, जिसमें इन्होंने खलनायक का किरदार निभाया था। इनके इस अभिनय को लोगों ने बहुत पसंद किया, जिसके बाद उन्होंने कई अच्छी फिल्मों में भी काम किया और अपने अभिनय का लोहा मनवा लिया था। इसके साथ उन्होंने बहुत सी फिल्में बनाई, जिनमें से ये फिल्में परिंदा, क्रांतिवीर, खामोशी, अपहरण, वेलकम और राजनीति इनकी सबसे हिट फिल्मों में से एक हैं, जिन्हें दर्शक अब भी देखना पसंद करते हैं। हालांकि आज भी ये दमदार एक्टर फिल्मों में सक्रिय है। वहीं अगर बात करें इनकी वाइफ के बारे में, तो आपको बता दें कि इनकी पत्नी का नाम नीला कांती पाटेकर है, जो एक मराठी एक्ट्रेस होने के साथ साथ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं, जिनसे नाना पाटेकर ने साल 1978 में शादी कर ली थी। इस शादी से इन्हें एक बेटा है, जिसका नाम मल्हार है। लेकिन थोड़े समय बाद इनके बीच कुछ चीजों को लेकर अनबन शुरू हो गई, जिसकी वजह से ये दोनों अलग अलग रहते हैं। तो दोस्तों, आपको नाना पाटेकर की वाइफ के बारे में जानकर कैसा लगा? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।